घर में कई दिनों से चारों ओर मौत का सन्नाटा छाया था, लेकिन आज घर में खटपट चल रही थी। मामा जी कभी ऊपर, कभी नीचे और कभी गार्डन में आ जा रहे थे। उनके पहाड़ जैसे दुख को बांटने वाला कोई सगा संबंधी पास न था। घर में सब से बड़ा होने के नाते सभी जिम्मेदारियों का बोझ उन्हीं के कंधों पर पड़ा था। वे तो खुल कर रो भी नहीं सकते थे, उनके भीतर की आवाज़ उन्हें कचोट कचोट कह रही थी कि अमृत, अगर तुम ही टूट गए तो बाकी घर वालों को कैसे संभालेंगे। कितना विवश हो जाता है मनुष्य ऐसी स्थितियों में। उनका भांजा, उनका दोस्त विवेक इस संसार को छोड़कर जा चुका था, लेकिन वे ऊहापोह में पड़े रहने के सिवा और कुछ नहीं कर पा रहे थे। अपने दुख को समेटे भावनाओं से जूझते हुए बोले, बस उन्हीं की प्रतीक्षा में दो दिन बीत गए। मंजू पता से तो लगाओ अभी तक वे लोग पहुँचे क्यों नहीं, कोई उससे हैं। अभी थोड़ी देर बाद बड़ी बड़ी गाड़ियों में फ्यूरल्स डायरेक्टर पहुँच जाएंगे, इंतज़ार थोड़े ही करेंगे वो। मामा जी अभी अभी पता चला है कि धुंध के देर से उतरी वे बस 15-20 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे, वे रास्ते में ही हैं। अंत्योष्टि तो 4 दिन पहले ही तो जानी चाहिए थी, लेकिन मामा जी फ्यूरल्स वालों को तारीख और समय मुकर्रर कर के ही अंत्योष्टि होते हैं। मंजू ने उन्हें समझाते हुए कहा, उनसे कह दो कि सीधे सीधे चर्च में ही पहुंच जाएं, घर आकर करेंगे भी तो क्या। विवेक को कितना समझाया था, कितने उदाहरण दिए थे, कितना चौकन्ना किया था। लोगों ने तजुबों से भी किए आए तो गए चमकती सोने की नगरी में, लेकिन बच के रहना बर्बाद कर देती है। गोरी चमड़ी वाली गोटियाँ पहले गोरे रंग और मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाती हैं, फिर जैसे ही शिकार की अंगूठी उंगली में पड़ी उसे लट्टू सा घुमाती हैं, फिर कोई किनारा कर देती हैं। दोस्तों, आपका ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी स्टोरी आप लोगों तक पहुंचाते रहती हूँ। तब तक के लिए आप लोग, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। ओके, बाय, टेक केयर।